हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू रॉयल मोटर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे रॉयल मोटर्स का वर्कशॉप का। आज इनोग्रेशन है यानी उद्घाटन है। तो गाइस, आपके लिए हम हमेशा बराबर आपके लिए गाड़ियों का कलेक्शन का वीडियो लाते हैं, लेकिन आप आज आपके लिए एक नया ब्लॉग के साथ, आपका छोटू ब्लॉग्स आपके वीडियो में स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हमारे रॉयल मोटर्स का आज उद्घाटन है, जिसको आप काफ़ी बेहतरीन सजावट के साथ यहाँ पे मंत्री वगैरह का इनविटेशन किया गया है, जिसमें हमारा चीफ गेस्ट मंत्री महोदय हफीजुल हसन आने वाले हैं, जिसका टाइमिंग 1 बजे का है। उनका आने के बाद हमारे शोरूम का उद्घाटन किया जाएगा। तो गाइस, आपको हम लेके चलते हैं हमारा वर्कशॉप का क्या क्या डेकोरेशन किया गया है और क्या क्या काम यहाँ पे होगा। तो गाइस, आइए आपको लेके चलते हैं हमारा वर्कशॉप के अंदर। आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है वर्कशॉप का, और यहाँ पे पार्टी वार्टी का इंतज़ाम भी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं छोटा मोटा पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर सारी गाड़ी का काम होता है, वो आपका जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका यहाँ पे होगा। तो आप इधर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, जो कि आपका वॉशिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपका वॉशिंग का एरिया, आपका वॉशिंग पॉइंट यहाँ पे, जिसमें गाड़ी का वॉश होगा। उसके बाद ये राइट साइड में जो ये एरिया है, ये हमारा पार्किंग स्पेस है। इसमें हमारा जितने भी गाड़ियाँ काम होने वाले गाड़ियाँ होंगे, वो आपका यहाँ पे काम होंगे। ये जो एरिया है आपका मैकेनिकल एरिया है, मैकेनिकल पॉइंट, जहाँ पे गाड़ी का जितना भी मैकेनिकल से रिलेटेड काम होगा, इस एरिया पे होगा। आप देख सकते हैं मैकेनिकल पॉइंट एरिया है। इसके बाद आपको हम लेके चलते हैं आगे, जो पॉइंट एरिया है ये आपका डेंट का एरिया है। यहाँ पे डेंटिंग से रिलेटेड गाड़ी पे जितने भी काम आपको होगा, इस एरिया पे आपका डेंट का काम होगा। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इधर, आपका पेंटिंग बूथ, जहाँ पे आपका पेंटिंग वगैरह, आपका यहाँ पे गाड़ी का डेंट पेंट वगैरह, यहाँ पे आपका पेंटिंग बूथ के अंदर, जो कि आपका हीट चेम्बर इसको बोला जाता है, जिसमें गाड़ी का पेंट किया जाता है। ये पेंटिंग एरिया है, और काफ़ी इंतजाम के साथ यहाँ पे पेंटिंग एरिया बनाया गया है। इसके बाद आपको ले कर चलते हैं, सारा इंतज़ाम यहाँ पे है। ये हमारा ऑफिस का एरिया हमारा है, जिसके अंदर सारा ऑफिस से रिलेटेड काम आपको किया जाएगा। उसके बाद आपका ये बगल में आप देख रहे हैं, ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम जहाँ पे आपका गाड़ी से पार्ट से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स आपका होगा, ये ऑफिस एरिया में आपका होगा। तो गाइस, आइए हम आपको ऑफिस में लेके चलते हैं और ऑफिस का इंचार्ज से आपको मिलाते हैं, जो कि यहाँ का देख रेख के लिए ऑफिस का इंचार्ज आपको यहाँ पे, आपको सारा काम काज देखने के लिए ऑफिस का इंचार्ज यहाँ पे है। जो एरिया है, ऑफिस का एरिया है, यहाँ से जितने भी स्टाफ का मॉनिटरिंग होगा यहाँ पे ऑफिस के अंदर। ये हमारे बैठे हुए रफीक भाई, जो कि जितने भी स्टाफ यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उनका मॉनिटरिंग के लिए रफीक भाई ये आपका देख रेख के लिए यहाँ पे हैं। तो गाइस, यहाँ के स्टाफ से मिलाने के लिए आ गए, जो कि अलग अलग सेक्शन में काम बांटा गया है इन लोग का, जो कि अलग अलग पॉइंट में इन लोग का काम होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलाते हैं हम आपको डेंटिंग से। ये डेंटर मिस्त्री है, इनका डिटेल्स हम जानते हैं क्या काम करते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी, क्या काम करते हैं आप? डेंट का काम करते हैं। डेंट में क्या क्या काम होता है? एक्सीडेंट गाड़ी, रिपेयर गाड़ी सब होता है। थोड़ा बड़ा स्क्रेच वगैरह, एक्सीडेंट जो टच वच हो गया, डैमेज हो गया है, वो काम करते हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, इनसे मिलाते हैं, इनका क्या काम है वो भी बताते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ पहले बताइए? मोहम्मद सद्दाम अंसारी। थोड़े जोर से बोलिए। मोहम्मद सद्दाम अंसारी। तो इनका नाम सद्दाम अंसारी है, क्या काम करते हैं यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर? आपको क्या डिब्यूट किया गया है, वो क्या काम करना है यहाँ पे आपको? इंटीरियर प्लस वॉशिंग का। अच्छा, वॉशिंग सेक्शन है। जैसे कि वॉशिंग में गाड़ी में गंदा हो जाता है, इंटीरियर वगैरह, एक्सटीरियर वगैरह, तो इनका वॉशिंग का काम दिया गया है। वॉशिंग का काम इसके साथ एक और लड़का है, लेकिन अभी कहीं गया हुआ है। तो इनका काम है वॉशिंग डिपार्टमेंट को देखना, और गाड़ी में जितना भी गंदा वगैरह, गंदगी वगैरह, सारा नीट एंड क्लीन करने का इनका वॉशिंग बाई का डिपार्टमेंट दिया गया है, इनका काम दिया गया है। इसके बाद इनसे मिलते हैं, इनसे हम परिचय कराते हैं। क्या नाम हुआ? वसीम खान। मोहम्मद वसीम खान नाम हुआ। आपको क्या काम यहाँ पे दिया गया है? जी, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ यहाँ पे, गाड़ी का पेंटिंग काम करता है। सभी तरह के गाड़ी जितने अभी आते हैं, वो सभी का पेंट का काम करते हैं।
अच्छा, इनका काम पेंटिंग डिपार्टमेंट में है, जो कि पेंटिंग गाड़ी में जो भी स्क्रेच वगैरह लगता है उसको कंप्लीट टचअप पेंट करने का डिपार्टमेंट, जो कि पेंट बूथ में आपको दिखाए थे, फुल पेंट हो या टचअप करना है आप आके इनसे मिल सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अगर काम आपको करानी होगी तो। इसके बाद आपको लेके चलते हैं मैकेनिकल मिस्त्री है बबलू भाई के पास, जो कि गाड़ी का ऑलराउंडर, जितने भी गाड़ी का काम होता है मैकेनिकल से रिलेटेड काम वो हमारे बबलू भाई देखते हैं। तो बबलू भाई कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। तो आप क्या क्या काम करते हैं हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मैं टेक्निकली जितनी भी गाड़ी में सिस्टम्स होते हैं सारे काम करता हूँ, टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एसी वगैरह का सारा काम मेरे जिम्मे है। अच्छा, मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड जितना भी काम का डिपार्टमेंट वो बबलू भाई के अंदर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपको दिया गया है। उसके बाद हमारे छोटे मोटे स्टाफ वगैरह है, ये सब हेल्पर है। तो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहिद अंसारी। किस डिपार्टमेंट में आपको दिया गया है, क्या काम करने हैं आपको? मैकेनिक, मैकेनिकल का हेल्पर के लिए। और आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अरबाज अंसारी। मोहम्मद अरबाज अंसारी, जो कि ये भी आपका मैकेनिकल का सपोर्ट में आपका दिया गया है, मैकेनिकल के साथ सपोर्टिंग में जो भी रिक्वायरमेंट होता है सामान वगैरह को वो फुलफिल करने का काम इन लोग का दिया गया है। उसके बाद आपको मिलाते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खतीब। मोहम्मद खतीब, तो क्या काम आपको दिया गया है यहाँ पे? पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग, पेंटिंग डिपार्टमेंट का हेल्पर के लिए दिया गया है। और मिलाते इससे, ये हमारे भतीजा है तोहित, ये भी मैकेनिकल का हेल्पर में आपका दिया गया है। और इसके बाद आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रेहान। रेहान नाम हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट में आपको काम दिया गया? डेंटिंग डिपार्टमेंट में इनका काम दिया गया है, जो डेंटिंग का हेल्पर का। तो गाइस, हमारे वर्कशॉप का उद्घाटन होने का कुछ टाइम बचा हुआ है, लगभग 1 बजे का मंत्री साहब का टाइम दिया हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के कारण डिले हो रहा है और आपको वेट करना है। कुछ ही देर में हमारे मंत्री महोदय यहाँ पे आने वाले हैं। तो गाइस, हमारे वीडियो पे बने रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो नहीं, हर एक गाड़ी का वीडियो का कलेक्शन आपको दिखाने के लिए आपको हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, आपको बहुत सारे गाड़ी का कलेक्शन दिखाते रहेंगे। तो गाइस, हमारे वीडियो पे बने रहें। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे मंत्री जी यहाँ पे आ गए हैं, मंत्री का आगमन आ चुका है, आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं यहाँ पे उद्घाटन के लिए, और उसके साथ उनका काफिला भी आप देख सकते हैं पीछे है। हमारे शोरूम का वर्कशॉप उद्घाटन के लिए आप देख सकते हैं मंत्री जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस, हमारे बीच आ गए हैं मंत्री जी, जिनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंत्री महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है हमारे भाई के जरिए, नौशाद अंसारी के जरिए, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। आप देख सकते हैं हमारे मंत्री जी यहाँ पे, उनका जोरों शोर से स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच हफीजुल हसन जी यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे कितना भीड़ का काफिला यहाँ पे आप देख सकते हैं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच जितने भी हैं, हमारे भाई साहब, बड़े अब्बा, बड़े अप्पा, जितने भी मेहमान हमारे गेस्ट यहाँ पे हैं और सारे यहाँ पे आए हुए हैं मंत्री जी का स्वागत के लिए। हमारे मंत्री महोदय का कितने जोरों शोर से स्वागत किया जा रहा है, उन्हीं के जरिए हमारे शोरूम का अभी उद्घाटन किया जाएगा और फीता काटेंगे, उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बड़े भाई यहाँ पे नौशाद अंसारी, जो इन्हीं के जरिए प्रोग्राम आगाज किया गया है, और इन्हीं के इनविटेशन से सारे यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं मेहमान सब, जितने भी गेस्ट हैं आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप हमारे वीडियो पे बने रहे, हमारे शोरूम का उद्घाटन कुछ ही क्षणों में होने वाला है मंत्री महोदय के जरिए और फीता काट के जरिए। अभी मंत्री महोदय हमारे फीता काट के उद्घाटन करेंगे। यही हमारे मंत्री महोदय उद्घाटन के लिए आ चुके हैं, आप देख सकते हैं फीता काट के उद्घाटन करेंगे। हमारे बड़े भैया आप देख सकते हैं, उनके फैमिली जितने भी हैं आप देख सकते हैं फीता काट के उद्घाटन करेंगे। तो गाइस, वीडियो पे बने रहे। तो देखिए, माननीय श्री हफीजुल हसन जी के जरिए जो मंत्री महोदय फीता काट के उद्घाटन कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो गाइस, इसी तरह हमारे शोरूम का उद्घाटन हो गया है और माननीय मंत्री महोदय जी
यहाँ पे फीता काट के उद्घाटन किए। आप देख सकते हैं कितना भीड़ यहाँ पे है, कितना काफिला है।